हेलो एवरीवन, ये है सी एस बड़ी चैनल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सब्जेक्ट की ट्यूटोरियल पाते रहें तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वीडियो भी इंक्लूड किया जाए मोबाइल कंप्यूटिंग के लेक्चर में, तो इसलिए मैंने इसको ट्यूटोरियल को इंक्लूड किया है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ट्यूटोरियल। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट्स। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि सैटेलाइट लाइक मून सैटेलाइट है। क्यों सैटेलाइट है? क्योंकि वो धरती के चारों ओर चक्कर काटती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी के ओर अगर रोटेट करे, रेवोल्यूशन करे, तो उसे सैटेलाइट बोलते हैं, राइट? तो अभी आता है कि कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में सैटेलाइट की क्या ज़रूरत है? मोबाइल कम्युनिकेशन में तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में जैसे कि एयरटेल है, एयरसेल है, ये सब कंपनीज हैं, तो फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो ज़रूरत है वो उन केसेस में है जहाँ पे कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, जैसे कि जो टावर से जो हमारे बात होती है, अगर वो काम ना करे। फॉर एग्जांपल, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई जैसे कि फ्लड, ओके, एंड ऐसे ही कुछ वार सिचुएशन चल रही है, उस वक्त क्या होती है कि ये सारे चीज़ काम नहीं करती हैं। तो उस वक्त आती है ज़रूरत सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो टू स्टेशंस ऑन अर्थ वांट टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो ब्रॉडकास्ट बट आर टू फार अवे टू यूज कन्वेंशनल मीन। द टू स्टेशन कैन यूज सेटेलाइट एज ए रिले स्टेशन फॉर देयर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि सपोज दैट कि अर्थ पे दो स्टेशन हैं, ओके, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। मैं इसको ऐसे अगर दिखाऊँ कि एक एक फोन है सपोज दैट, ओके, एक यहाँ पे डिवाइस है और एक यहाँ पे डिवाइस है। ये बहुत दूर है और ये आपस में बात करना चाहते हैं, राइट? तो क्या कर सकते हैं हम कि एक सैटेलाइट ऊपर आसमान में हम रीजन में डाल दें, चाहे वो लियो हो या मियो हो या जियो रीजन में, किसी भी रीजन में। ये रीजन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डाल दें तो ये यहाँ से कम्युनिकेट करेगा, जिसको कि ये सैटेलाइट ट्रांसपोंडर रिसीव करेगा और उसके बाद इसको ट्रांसमिट कर देगा इस मोबाइल पे या इस सेट पे, इस रिसीवर पे। तो ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर, इसको बोलते हैं अपलिंक, इसको अपलिंक भी बोलते हैं, ओके, अपलिंक। और ये हो गया हमारा डाउनलिंक, इसको डाउनलिंक भी बोलते हैं। तो अपलिंक और डाउनलिंक, तो ये इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करता है। और ये क्यों करता है, ये क्यों हम इसका यूज लाते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये उस सिचुएशन में जबकि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क फेल हो जाते हैं, फ्लड एंड वार सिचुएशन एंड अदर काइंड ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, कोई बड़े जंगल में आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे तो अब ऑब्वियसली कोई नेटवर्क नहीं रहेगी, तो सैटेलाइट फोन्स ही वहाँ पे काम आएंगे, राइट? ओके, अब देखते हैं कि किस काइंड ऑफ सर्विस होती है। तो सैटेलाइट से एक्चुअली दो काइंड ऑफ सर्विस होती है। एक तो आप जानते ही हो, आप लोग तो और हम लोग सब कोई बहुत टीवी देखते हैं, राइट? घर में कोई WWE देखता है, कोई सोनी टीवी पे सीरियल देखता है, लड़कियां खासकर, एनीवेज, तो स्टार प्लस भी है बाय द वे। सो एक होती है ब्रॉडकास्टिंग। तो टीवी देखने वालों के लिए क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि एक सेंडर है, सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया। रिसीवर कुछ नहीं भेज सकता है, आप टीवी से कुछ कहीं भेज नहीं सकते हो अपना सिग्नल, ओके, आप ऐसा नहीं कि टीवी के सामने डांस करोगे तो वो जाके कहीं और टेलीकास्ट होगी, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकते हो, ओके, डाउनलिंक से। और अपलिंक से ये सोनी टीवी वाले या चैनल वाले, डिस्कवरी वाले भेज रहे हैं, सैटेलाइट उसको प्रोसेस कर रहा है और यूजर्स पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ओके। और एक हो गया टू वे सर्विस, कम्युनिकेशन में, फ़ोन, सैट फोन्स जैसे कि है। तो अब सैट फोन्स में क्या हो रहा है, नॉर्मल फ़ोन्स में भी क्या होता है, डुअल कम्युनिकेशन होता है, इधर से भी कोई भेजेगा और सेंडर भी बात कर सकता है, रिसीवर भी बात कर सकता है। तो ये चीज़ जो है, ओके, सॉरी स्लाइड, या सो ये टू वे सर्विस हो गई, आप भेज भी सकते हो, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जिसको कि बोलते हैं, ओके। अब ये एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स की क्या क्या एडवांटेज होती है, ओके, तो इसमें कुछ एडवांटेज है, बट जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि क्रिटिकल सिचुएशंस में आप इससे बात कर सकते हो। जो बहुत ही बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है उसमें आप बात कर सकते हो।
है द कवरेज ऑफ सेटेलाइट ग्रेटली एक्सीड्स डेट ऑफ टेरेस्ट्रियल सिस्टम। अब सेटेलाइट की कवरेज एरिया भी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि एक पूरे अर्थ को 4 सेटेलाइट ही काफ़ी है कवर करने के लिए। अगर एक सेटेलाइट को यहाँ पे लगा दें आसमान में बहुत दूर जियो रीजन में, एक सेटेलाइट को यहाँ पे लगा दें और ठीक ऊपर नीचे 2 और सेटेलाइट, तो 4 सेटेलाइट्स आर लाइक एनफ टू कवर द होल अर्थ। तो सोचिए अब 4 सेटेलाइट की मदद से, और एक ऐसा तो 4 सेटेलाइट की मदद से आप चाहो तो पूरा का पूरा अर्थ में कम्युनिकेशन सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? वो इसलिए बिकॉज उतनी बैंडविथ नहीं है। अगर आप लाइक बैंडविथ क्या है, आप मैक्सिमम, अब वो अगर सेटेलाइट जो है वो 10 डिवाइसेज को सपोर्ट कर सकता है, तो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस कारण से वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे सेटेलाइट्स हम इम्प्लीमेंट लगाते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। और 4 सेटेलाइट्स से अगर आप कवर करना चाहते हो, तो आपकी सेटेलाइट्स बहुत दूर होनी चाहिए जीईओ रीजन में। तो उससे पावर भी उतना ज़्यादा नहीं आती और उतना वो कैपेसिटी भी उसकी नहीं होती है। इसलिए मैक्सिमम सेटेलाइट्स जिससे कि हम बात करते हैं वो अक्सर लियो रीजन में होती है, लोअर अर्थ ऑर्बिट रीजन में। ये सारी की डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है भी। तो फिलहाल क्या है कि सेटेलाइट की कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है और ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है हमारे डिस्टेंस से। लाइक फ़ोन में क्या होता है कि अगर आप लोकल बात करो तो कम पैसा लगता है, बट अगर आप दूर बात करो, कोई यहाँ पे इंडिया में है और कोई यहाँ पे यूएसए में है, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट सैटेलाइट में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि सैटेलाइट तो यार नज़दीक हो या दूर हो, ये ऊपर जाके इससे कनेक्ट करेगा और यहाँ पे जाएगा, तो दोनों में कॉस्ट सेम ही लगती है। तो इस व्यू से सैटेलाइट जो है वो चीज़ है। फिर हाइयर बैंडविड्थ आर अवेलेबल फॉर यूज़, एंड एक जो और है सेटेलाइट टू सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी प्रिसाइज। एंड अभी सेटेलाइट की जो सबसे बड़ी यूज एक और है, फ़ोन तो आप ठीक है करोगे ही अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, एक सबसे बड़ी यूज जो अभी सेटेलाइट की हो रही है वो है आपका जीपीएस में। हम जीपीएस का डेली यूज़ करते हैं, राइट? ओला उबेर कहीं पे भी आप बुक करो, ओला उबेर क्यों चला इतना मार्केट में? बिकॉज आप घर बैठे हो, आप ओला बुक करो, ओला वाला आपका नेविगेशन करके आपके घर के बाहर आ जाएगा। जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ लोकेशन डालो, आपका शॉर्टेस्ट रूट भी फाइंड कर लेगा शॉर्टेस्ट रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम से, और आप ट्रैफिक के हिसाब से भी देख के आराम से नेविगेट करके चले जाओ। तो जो जीपीएस है वो वन ऑफ द नो सबसे बड़ा यूज है सेटेलाइट का। बिकॉज अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि सेटेलाइट फ़ोन्स जो हैं वो उतनी चल नहीं रही हैं। इसलिए नहीं चल रही हैं बिकॉज कोई क्यों यूज करेगा? बेसिकली लोग यूज करते हैं नॉर्मल फ़ोन जो टेरेस्ट्रियल फ़ोन्स हैं, लाइक नेटवर्क जो एयरटेल एयरसेल हैं, इनको यूज करते हैं बिकॉज ये चीप है, एंड वो सैट फोन्स काफ़ी कॉस्टली हैं और वो अभी यूज में नहीं आती। वो कंपनीज भी लॉस में चलती हैं अभी जो सेटेलाइट फ़ोन जो प्रोवाइड करती हैं, बहुत तो बैंकरप्ट हो चुकी हैं। तो डैट इज़ अदर थिंग, बट स्टिल इन क्रिटिकल सिचुएशन वी कैन यूज इट, एंड जीपीएस तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सेटेलाइट्स है। अभी डिसएडवांटेज ऑफ सेटेलाइट्स, सेटेलाइट्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, राइट? उनमें हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, बट डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा ये है कि कॉस्टली है। अगर आप लॉन्च कर रहे हो कि सेटेलाइट को, ऑपरेशन ही इतना कॉस्टली होता है। एंड जो एक और चीज़ ये है कि एक सेटेलाइट को लॉन्च करने में 150 करोड़ रुपया तक लगती है। और सेटेलाइट बैंडविड्थ इज ग्रेजुअली बिकम यूज अप। अब एक सेटेलाइट की एक कैपेसिटी होती है कि आप वो मैक्सिमम 10,000 15,000 लोगों को बात करवा सकता है एक टाइम में, बट लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो बैंडविड्थ उसकी भी जो है वो यूज अप हो जाती है। देर इज़ ए लार्जर प्रोपेगेशन डिले। अब ये एक समस्या है कि आप यहाँ पर बात कर रहे हो, एक बंदा यहाँ पे, आपकी गर्लफ्रेंड बात कर रही है, आप यहाँ से बात कर रहे हो, अब आप हेलो बोले, आप हेलो बोल के कुछ और बोलना चाह रहे हो, बट इसको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डिले है। डिले जो है वो 500 मिली सेकेंड तक है, 500 ms तक। अब पता चला कि आपकी गर्लफ्रेंड इरिटेट हो गई कि यार मैं बोल रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा। बट थिंग ये है कि ये डिले है, प्रोपेगेशन डिले, इसमें आप दोनों का कोई गलती नहीं है, आप दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना बंद करो, तो ये काइंड ऑफ इरिटेटिंग लगती है, राइट? तो ये प्रोपेगेशन डिले भी एक प्रॉब्लम है। क्यों ना आदमी नॉर्मल यूज करे जियो का फ़ोन जो फ्री में बात भी करवाता है, आप फ्री में नहीं करवाता है, बट एनीवेज आजकल तो कॉल रेट्स इतनी सस्ती हो गई हैं, ये अलग बात है कि कंपनियां लॉस में जा रही हैं और बंद हो रही हैं, बट स्टिल तो लोग वो क्यों ना यूज करें बिकॉज में प्रोपेगेशन डिले नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण लोग सैट फोन्स को यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में,
और टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन ही यूज होती है। तो सेट फोन्स आप करंट सिनेरियो में बात करो तो एक फेल्योर है, कंपनीज भी बैंकरप्ट हो चुकी हैं जो भी इनको यूज किए हैं, जो भी इनको इम्प्लीमेंट किए हैं, लाइक इरिडियम, ग्लोबल स्टार, सारी कंपनीज तो बैंकरप्ट हो गई, कुछ तो बंद भी हो गई। फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जो बिल गेट्स ने इम्प्लीमेंट की थी, टेली डेसिक नाम था उसका, बहुत ही उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, बट बेचारे वो कंपनी बंद हो गई बिकॉज इतने सैटेलाइट्स वो भेजते हैं, मोर देन 200, एंड उसके बाद फिर लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज सस्ता ऑप्शन उपलब्ध है, राइट? कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हम पहले जान लें। एक टर्म है सैटेलाइट फुटप्रिंट। सैटेलाइट का फुटप्रिंट क्या होता है? तो सपोज डेट कि अगर ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो एक सैटेलाइट अगर मैं यहाँ पे लगाया, तो ये सैटेलाइट की ये जो कवरेज है वो ऐसे होती है जैसे टॉर्च की, कैसे होती है, यहाँ पे टॉर्च लगाओ तो टॉर्च की रोशनी ऐसे आती है, तो ये जो एरिया कवर करती है इस एरिया को बोलते हैं फुटप्रिंट। सो सैटेलाइट फुटप्रिंट ये चीज़ है। अब एटमोस्फेरिक एटेन्यूएशन, ये क्या होता है कि एयर एंड वाटर एंड अदर जो वेदर कंडीशंस हैं वो एटमोस्फेरिक एटेन्यूएशन भी लाती है। एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी आती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। जितना अर्थ से डिस्टेंस होगी सैटेलाइट का उतना ज़्यादा प्रोपेगेशन डिले भी होगा, मतलब आप बोलोगे उतना देर में वो सामने वाले पे रिसीवर पे जाएगी। तो एक ये सब टर्म है। तो ये सब क्या इम्पेयरमेंट है? इम्पेयरमेंट मतलब कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ये लॉस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ये जो डिसएडवांटेज है। अब सैटेलाइट ट्रांसमिशन बैंड है। बैंड के बारे में आप बेसिक थोड़ा इन्फॉर्मेशन रख लो ताकि एग्जाम में अगर कल या कभी आती है तो आपको कुछ आइडिया रहे। तो सी बैंड, तीन तरीके के मोस्ट पॉपुलर बैंड है, सी बैंड है, KU बैंड है, K बैंड। सी बैंड जो है वो डाउनलिंक पे और अपलिंक का फ्रीक्वेंसी का रेंज है। डाउनलिंक का फ्रीक्वेंसी रेंज है 3700 टू 4200 मेगाहर्ट्ज़, एंड अपलिंक की फ्रीक्वेंसी रेंज है 5925 से 6425 मेगाहर्ट्ज़। इस तरीके से KU बैंड की डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी रेंज है 11.7 टू 12.2 GHz, एंड अपलिंक की है 14.0 टू 14.5 GHz, एंड के बैंड की फ्रीक्वेंसी, बैंड की डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है 17.7 टू 21.2 GHz, एंड 27.5 टू 31.0 GHz इसकी अपलिंक फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड है, आप चाहें तो इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी बैंड जो है वो मोस्ट यूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड है। जैसे कि आपने टीवी में भी देखा होगा, आप लोग अगर मैनुअली मैनुअल सेटअप करते हो कि टीवी की चैनल्स की, तो आप देखते होगे कि फ्रीक्वेंसी रेंज आती है और हर एक फ्रीक्वेंसी, एक चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे ही वो आती है। तो अपलिंक और डाउनलिंक, तो हम लोग तो टीवी पे जो सेट करते हैं वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। तो हर चैनल अपनी फ्रीक्वेंसी पे आती है। इवन रेडियो में भी आप देखते होगे, पहले के टाइम में एनालॉग वाला जब था तो ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता था, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, उस पे जो चैनल फेयर फॉल करती थी वो उसका आउटपुट आती थी। तो ये डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी जो बैंड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड क्लियर योर डाउट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप आगे की वीडियोस पाना चाहते हैं तो। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स ऑर्बिट। सो सैटेलाइट, जब एक सैटेलाइट अगर कहीं भी रोटेट कर रही है अर्थ के अराउंड, तो वो कैसे रोटेट करेगी? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है तो सैटेलाइट को कैसे रोटेट करवाऊँ? आप जिस तरीका से रोटेट करवाओ उस तरीका से उसको सैटेलाइट ऑर्बिट्स की वो रोटेशन उस टाइप से डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वेटर के अलोंग अगर आप अर्थ को रोटेट कराओ तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। वो 0 डिग्री बनाती है, काइंड ऑफ दिस, ये हो गई 0 डिग्री बना रही है, इक्वेटर के अलोंग कर रही है, तो इसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं। पोलर ऑर्बिट किसको बोलते हैं? अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या कर रही है अर्थ अगर ऐसे है तो ये पोलर रीजन के अराउंड ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। और अदर ऑर्बिट किसको बोलेंगे? अदर ऑर्बिट बोलेंगे कि ये ना वो 0 डिग्री के बीच में, ना वो 0 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, अगर वो 0 तो 90 के बीच में हो उसको अदर ऑर्बिट बोलेंगे। और एसेंट्रिसिटी के बेसिस पे भी होती है, एक होती है सर्कुलर जो कि सेटेलाइट ऐसे अर्थ के सर्कल में करे, लाइक अर्थ अगर बीच में है तो सेटेलाइट ऐसे सर्कुलरली रोटेट करते रहे, मतलब कि इधर की रेडियस और इधर की रेडियस दोनों सेम है, राइट? इसको बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। और एक है कि
एक फोकाई पे, जैसे कि एक्लिप्स की क्या होती है, एक्लिप्स की दो फोकाई होती है, तो अगर एक फोकाई के अराउंड अगर रोटेट कर रही है तो उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये है बेसिक ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स। ओके, अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या है? तीन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट हैं, जियो, मियो एंड लियो, एंड ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।